अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दू, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको डेविल्ड एग्स बनाना सिखाएंगे, वेरी सिंपल रेसिपी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। बॉयल्ड एग्स करके रखिएगा रेडी, बीच में से हाफ काट लीजिएगा, जर्दियों को अलग निकाल के एक बोल में हम डाल देंगे, सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, पाइपिंग बैग में डाल के वापस हम सफ़ेदियों में पाइप करके सर्व कर देंगे एज अ सैलड और अ स्नैक और अ स्टार्टर। और बच्चों ऐसे अंडा नहीं खाते हैं तो ऐसे खिला लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आज की द हाईलाइट रेसिपी इज़ द हॉट क्रॉस बंस। जैसे रिदा ने भी कहा आप लोगों को जस्ट अभी 5 मिनट पहले जब उनका शो एंड हुआ, हॉट क्रॉस बंस आपको टाइम देना है राइस करने के लिए 1.5 घंटा, फिर शेप दे के उस डो को वापस 1 घंटा राइस होने के लिए रखना है। अब हमारे पास तो 3 घंटे का शो नहीं है, बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड शो यू हाउ टू मेक दिस एट होम, ठीक है। आपको राइस करना है, प्लीज़ ये याद रखिएगा बात, तो ही अच्छी तरह ये रेसिपी बनेगी। नाउ लेट मी शो यू अज्जा क्या है। मैदा है 1/2 किलो, ठीक है। ये फ्रूट्स हैं, जो भी फ्रूट्स आपको डालने हैं इसमें। अब मैंने 3 किस्म के किशमिश लिए हुए हैं, ये देखें, पीले वाले लंबे किशमिश हैं, गोल्डन रेजिन्स, फिर ये मुनक्के हैं और ये काली वाली किशमिश है, ठीक है। कुछ भी आपको, कुछ भी आपको सिर्फ एक ही किस्म के इस्तेमाल करने, एक ही किस्म के करिएगा, टोटल 200 ग्राम होने चाहिए। ये है ऑरेंज, अच्छा इसको धोइएगा, इसको धोइएगा, इसके ऊपर के स्टॉक्स निकालिएगा, अगर काले वाले किशमिश में बीज हैं बीज निकालिएगा, वरना मुंह में आएगा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं डालती हमेशा इसमें हूँ ऑरेंज का छिलका या फिर इस तरह की पील, ठीक है। ये पील है, ये आपको जो मामलेट बनाते हैं उसमें हम पील डालते हैं, ये पील है, इसको आपने धो के सुखा के इस्तेमाल करना है। अगर आपको मिले शीरे में दुकान पे से, तो उस शीरे के साथ नहीं डाल दीजिएगा, एक अंडा जाएगा, नमक है, दालचीनी का पाउडर है, नींबू का छिलका जाएगा, खमीर है। नाउ सी द खमीर, यीस्ट जो है, ये इंस्टेंट यीस्ट पाउडर एक बड़े सैशे में यहाँ मिलता है, बाहर का है, निकाल के एक चम्मच इस्तेमाल करके फिर मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, डब्बे में निकाल के, अच्छा रहता है, पूरा साल ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में या काउंटर पे, किचन कैबिनेट में नहीं रखिएगा, ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा। चीनी है पिसी हुई, पिघला हुआ मक्खन है, ठीक है, और ये केक स्पाइस है। केक स्पाइस का मतलब होता है चुटकी भर सब कुछ लीजिए, अदरक का पाउडर यानी सौंठ, मेस, जावित्री, जायफल और दालचीनी का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें चुटकी भर ले लीजिएगा, तो ये इतना सा बन जाएगा। समझ आ गई, केक में भी जो हम डालते हैं केक स्पाइस, ये सारे अज्जाएँ। पीछे जो चीज़ें हैं वो बाद में आपको दिखाऊंगी जब हम बंस का शेप देंगे। सो नाउ आई हैव टू क्विकली स्टार्ट दिस बिकॉज टाइम हम नहीं वेस्ट करना चाह रहे। मैं मैदा और ये सब कुछ एक दफ़ा डाल दूंगी इन माई बीटर, इन माई कैन दिस मशीन, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा, अगर है तो ये डो वाला होकर इस्तेमाल करिएगा, हाथ से भी गूंज सकते हैं, बीटर से भी कर सकते हैं, एवरीथिंग गोज़ टुगेदर। दो चीज़ों का ख्याल रखना है, दूध 300 मिलीलीटर्स यहाँ गर्म होना चाहिए, नीम गर्म, ठीक है, खोलता हुआ नहीं, ये मैंने हल्का सा गर्म करके छोड़ दिया था। मक्खन पिघला हुआ होना चाहिए, वो भी अलग से होना चाहिए गर्म, लेकिन याद रखिएगा कि खोलता हुआ होगा तो खमीर अंदर जाके मर जाएगा। खमीर को हमेशा थोड़ी सी चीनी और नमक चाहिए होता है, और नॉट खोलता हुआ पानी या दूध, बस गर्म, नीम गर्म, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, सब कुछ साथ में डाल देती हूँ यहाँ। ये केक स्पाइस चली गई और ये दालचीनी का पाउडर है मैदे के साथ, ठीक है, फिर ये खमीर है, इंस्टेंट यीस्ट है, इसको आपको कुछ भी राइस वाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर ये है लेमन जेस्ट, टर्न करते रहिएगा नींबू को ताकि येलो पार्ट ही आए, व्हाइट पार्ट नहीं आए। सूखी हुई लेमन की पील मिलती है मार्केट में, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो जी, ये भी हो गया। अब नमक हम डालेंगे, फिर इसमें हम चीनी डालेंगे, ऑल द ड्राई थिंग्स आई एम पुटिंग टुगेदर, कुछ मुझे इसको डाल देना है। अब ये सारी चीज़ें जाएंगी, फ्रूट बाद में जाएगी। पुट एवरीथिंग इन योर बोल, अंडा चला जाएगा और ये मक्खन, गौर से देखिएगा, खमीर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मैदा साफ़ सुथरा हो, अच्छी तरह आपने उसको छाना हुआ हो। आपको राइस करना ज़रूरी है, मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है, मैं आपको प्रोसीजर दिखा देती हूँ।
कि हाउ वील मेक इट, ठीक है। बेकिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में बंस हो जाएंगे, लेकिन राइजिंग जो है ना उसको टाइम लगता है। ये क्यों होता है मेरे साथ? ओके, शुक्र। अब हम इसमें दूध डालेंगे, पूरा नहीं डालते हैं पहले। सब कुछ हटा देते हैं बिकॉज काम नहीं है अभी इसमें। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसका वो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह सॉफ्ट डो होना चाहिए। मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर निकाल के ऑरेंज पील और ये किशमिश डाल के फिर एक बोल लेंगे, उसमें हम तेल लगाएंगे, ये डो पूरा रख के उसको हम राइज होने के लिए 1.5 घंटा छोड़ देंगे, फिर निकालेंगे, उसके छोटे छोटे राउंड्स बनाएंगे, बिकॉज ये फूलेंगे तो बहुत बड़े बड़े बंस नहीं बन जाएँ, ठीक है, छोटे बनाइएगा और उसको दोबारा राइज करने छोड़ देंगे। ये प्लीज़ प्रोसीजर याद रखिएगा, डो बना के 1.5 घंटा, शेप दे के 1 घंटा, फिर 15 मिनट बेक 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 नहीं 220। खमीर की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे बेक होती हैं, ठीक है। ब्रेक की तरफ हमें चलना है, मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। देखें डो को गूंद लिया है हमने, ठीक है, इस तरह का स्ट्रेची होना चाहिए। अब इसमें हमने ये फ्रूट डालनी है, सारी फ्रूट जो भी आपने साफ करके धो के सुखा के रखी है। ये ऑरेंज पील है, ऑरेंज पील चली गई, हाथ से मिक्स कर दीजिएगा इसमें, ठीक है, अच्छी तरह। और फिर आप इसको डो को निकाल के ना रख दीजिएगा टू प्रूफ। ये बोल है जिसमें मैंने तेल लगा के रेडी करके रखा हुआ है, दिस हैज़ टू बी मिक्स्ड इन प्रॉपरली, लेकिन बीटर में से निकाल के, ठीक है। अब हाथों से आप इसको निकालिए, इट इज़ अ बिट ट्रबलसम टू डू दिस। क्या करूँ मैं, दिखाना तो चाह रही हूँ मैं इस तरह, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा ताकि फ्रूट अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए, और फिर आप उसको नीट कर दीजिए इफ़ यू वांट, एंड यू पुट दिस टू राइज। बस ये आप माइक्रो में रख दीजिए, अवन के ऊपर रख दीजिए, जहाँ भी कहीं हीट हो, एंड लेट दिस राइज। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसके ऊपर जो क्रॉस लगेगा वो हम बनाते हैं मैदा और पानी के साथ। सो मैदा लिया आपने, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला, 1 कप मैदा है, 3-4 टेबल स्पून पानी है, और मिक्स कर दिया। पतली सी एक रोटी सी गूंद लीजिएगा और फिर बेल दीजिएगा, और फिर उसके स्ट्रिप्स काट के ऊपर लगा दीजिएगा।
ब्रश करेंगे हम गोल्डन सिरप या शहद के साथ या अंडे के साथ बेक करने से पहले दानेदार चीनी डालेंगे, ये अंडा है ठीक है, अंडे से स्टिक होगा वो क्रॉस इसके ऊपर। पानी पहले थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा। डेविल डेग्स बहुत आसान है इसलिए इस रेसिपी में मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही हूँ। आपको डो को राइज करना है, डेढ़ घंटा समझ लीजिए आपने डो को राइज किया, फिर आपने उसके शेप बनाए, शेप बनाने के बाद आपने उसके ऊपर अंडा या गोल्डन सिरप लगा के ऊपर क्रॉस लगाया, फिर आपने दोबारा उसको रख दिया आधा पौना घंटा राइज होने के लिए, फिर बेक किया ठीक है। ऐसे करिएगा, जो भी खमीर की चीज़ें होती हैं उसमें ये राइजिंग वाला जो पार्ट है ना, ये अगर सही हो और डो को आपने अगर नरम गूंदा हो तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, वरना फिर बहुत मुश्किल होती है। खमीर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग खमीर से डरते हैं, फोंडेंट से काम करना डरते हैं, लेकिन ये बनाइए चीज़ें, सीखिए ठीक है, डरे ना, अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं, ख़राब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाइएगा, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ठीक है, अपनी गलतियों से सीखें। बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा इसको, हाथों से करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हाथों से करना पड़ता है, सो वील यूज योर हैंड्स। इसको आप साथ साथ लगा सकते हैं बंस को एक ग्राउंड टिन में, मैं इसको करूँगी अपने सिलिकॉन के मैट पे, ट्रे पे, एनी वे यू लाइक ठीक है, किसी तरह भी पुल अपार्ट बंस कर सकते हैं, साथ साथ चिपक जाएंगे जब, तो वो फिर आप उसको पुल अपार्ट कर सकते हैं। जी हेलो 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 सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने है, फरमाइए। मुझे ये आपने जो बन की जो रेसिपी जरा बता दीजिएगा, जरा क्या बन की रेसिपी? अच्छा ठीक है, मेरी अभी लाइट आई है। अच्छा ठीक है ठीक है, रात में 12 बजे और दूसरे दिन 9:30 बजे भी शो रिपीट होता है, अभी करती हूँ मैं, रिकैप भी करती हूँ, आप लिख लीजिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये हो गया, फ्रूट नहीं डालना चाहें, प्लेन बंस बनाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू, एनी थिंग, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ठीक है। दिस विल बी अ बिट स्टिकी, आई विल यूज सम मोर मैदा, हाथ धो लेते हैं, चीज़ें उठा लेते हैं और फिर मैं रिकैप भी करूं। देखिए मैंने आधा किलो लिया था मैदा, उसमें मैंने एक अंडा डाला, 300 मिलीलीटर गरम करके दूध डाला लेकिन खोलता हुआ नहीं, फिर मैंने इसमें मक्खन डाला, नीम गरम करिएगा, उसको भी पिघलाइएगा ठीक है। हर चीज़ को मिक्स करना है, डो को गूंदना है, मैं सारे अज्जा भी बताती चलूँ फॉर आर व्यूअर्स जिनको जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। आधा किलो मैदा था, 75 ग्राम्स पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, एक टेबलस्पून भर के मिक्स स्पाइस पाउडर था जिसमें लौंग का पाउडर, जायफल का पाउडर, जावित्री का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, नट दालचीनी और सब कुछ मिक्स करके जो केक स्पाइस बनता है मिक्स स्पाइस पाउडर वो, फिर अलग से एक टीस्पून पिसी हुई दालचीनी का पाउडर, एक लेमन का हमने छिलका डाला, नमक था एक टीस्पून, एक चमचा भर के खमीर था, 40 ग्राम गरम किया हुआ पिघला हुआ मक्खन था, 300 मिलीलीटर हमने दूध डाला गरम करके ठीक है, लेकिन नीम गरम, गरम एकदम हो जाए तो ठंडा करके फिर डालिएगा, गरम नहीं होना चाहिए, खोलता हुआ खमीर मर जाएगा, एक अदद अंडा और 200 ग्राम किशमिश, काली किशमिश, पीली किशमिश, सुल्तानाज, मुनक्के, जो भी आपको डालने हो वो 200 ग्राम होना चाहिए, और 50 ग्राम जितनी मैंने चॉप करके, मिक्स पील नहीं मुझे मिली मिक्स कहीं भी, तो मैंने सिर्फ ऑरेंज की पील ली थी, दैट्स इट ठीक है। बस ये बना के आप उसको राइस करने रख दीजिएगा। नाउ मुझे आपको दिखाना है, सो आई विल टेक दिस आउट एंड आई विल शो यू, आप लोग समझिए कि मैंने कर दिया, ये राइस हो गया, आप समझिए डेढ़ घंटा हो गया, व्हाट टू डू ना, मुझे तो आपको ये दिखाना है हाउ टू मेक दिस, सो नाउ ग्रीस योर हैंड्स, थोड़ा सा तेल ले लेते हैं हाथों पे और विल ट्राई एंड मेक द बंस ठीक है। आप शेप दे दीजिए, समझिए डेढ़ घंटा हो गया, शेप दे,
आप चाहें कि एग्जैक्टली सेम हो तो वे कर दीजिएगा, वेइंग स्केल पे इक्वल ग्राम्स होने चाहिए एक ही, ठीक है? कोई 20 ग्राम है तो सारे ही फिर 20 ग्राम करिएगा। आप लोग प्लीज़ डेढ़ घंटा राइज होने के लिए रखिएगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है वरना मैं इसको करूं। आप चाहें तो चिपका के लगा दीजिएगा, मैं अलग अलग ऐसे कर रही हूं। डो को सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। देखें, आपको डेढ़ घंटा डो को राइज करना है तो ऑब्वियसली राइज होगा। अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ प्रोसीजर सिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है? सो आपने राइज हो गया, फिर आपने शेप दिया, शेप देने के बाद भी आपने उसको एक घंटा राइज होने के लिए रख दिया, समझ आ गई? फिर आपने इसके ऊपर अंडा लगाया अच्छी तरह ताकि जो क्रॉस हम बनाएंगे वो उसके ऊपर जाके चिपके। क्रॉस नहीं बनाना है, कोई मसला है तो नहीं बनाएं, लेकिन I just wanted to do it exactly जैसे होता है, ठीक है? So we'll make tiny ones because ये सिर्फ पानी और मैदा था ये। So you ऐसे चिपकाएं, समझ आई? जी जी, हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अब मैं, आप जो बंस बना रही हैं वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बहुत मज़े के लग रहे हैं। जी ज़रूर, बहुत आसान है, बस डो को राइज आप करिएगा, ठीक है? जी, और मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी फरमाइए। एक आप बीफ वेलिंगटन बनाना सिखाए और एक ओट वॉफल्स। ओट क्या? वॉफल्स। ओट वॉफल्स मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, देखिएगा रेसिपी में। बीफ वेलिंगटन नहीं किया है, वो किसी दिन करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ठीक है? हाथों पे बहुत चिपक रहा है। इसके ऊपर भी अंडा लगाएंगे, ओके? अपने खाए होंगे, ईस्टर के टाइम पे मिलते हैं, यहाँ फेमस एक बेकरी है, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। हम लोग तो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम दैट सेम प्लेस इयर्स ऑन एंड। ठीक है, एक मैं रखना चाह रही हूँ एज सून एज पॉसिबल सो दैट हम टाइम और नहीं निकल जाए हमारा, ओके? मैसी जॉब बट करना है तो आपको दिखाना है तो सिखाना है तो हो गया। ओ, एक रह गया, ये कैसे रह गया? ये जी, हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उप्स, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक, काफी देर बाद आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेकिंग बहुत कमाल की होती है, आप जो सिखाती है ना तो बहुत कमाल का सिखाती है। थैंक यू सो मच जी। मैंने आपसे ये पूछना था, जो ईस्ट होती है, ईस्ट जब हम फ्रीजर में रखते हैं, जब हमने यूज करनी होती है तो उसी टाइम यूज कर सकते हैं कि पहले आधा घंटा रखना है बाद फिर यूज कर सकते हैं?
नहीं जी, डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकालिए और इसमें डाल दीजिए। कोई फ्रीज की हुई नहीं होगी, ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स की शक्ल में ही होंगे। ठीक है, चलिए ठीक। और ये एक और बात पूछनी है जी, जो कोको पाउडर होता है, जो कोको पाउडर होता है और जो ग्लूकोज होती है जी, इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं कि बाहर? नहीं नहीं, बाहर। कोको पाउडर भी बाहर, ग्लूकोज भी बाहर। ग्लूकोज फ्रिज में रखेंगे तो वो पत्थर हो जाएगा, फिर उसको आप संभाल नहीं पाओगे। दादा जैसा मर्जी हो, गर्मी सर्दी बाहर ही रखना। हाँ बिल्कुल, बाहर। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। अंडा लगाया आपने, ब्रश किया और मैं इसको रख देती हूँ बेक होने के लिए। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रे पे। दानेदार चीनी मैंने ऊपर छिड़की थी, इसके लिए छोटे बनाएंगे बिकॉज ये छोटे बंस थे। दिस इज स्टिकिंग। बहुत स्टिकी स्टिकी हो रहा है डो। ठीक है, आपने अंडा लगा लिया है, फिर आपने इसके ऊपर ये क्रॉस, ओह दिस इज अ वेरी फैट वन, क्रॉस करके आपने ये लगा देना है। इसी तरह जस्ट जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ट्राई करिएगा रेसिपीज, ठीक है? ठीक, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी जी। आप क्लब सैंडविच बनाना सिखा दें। क्लब सैंडविच में बनाना सिखा चुकी हूँ, दोबारा आपके लिए करेंगे, ठीक है? ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी ऐसी रेसिपीज़ जो मैंने बनाई हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा बनाऊँ, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं नई नई चीज़ें सिखाऊँ, तो वो सारी रेसिपीज़ जाके देख लीजिएगा। क्लब सैंडविचेस बाय ज़ारनक सिद्वा गूगल करें, या मसाला के पेज पे देखें, या फूड डायरीज़ के पेज पे देखें, तो आपको मिल जाएंगी सारी रेसिपीज़, ठीक है? अब बंस का डो राइज़ नहीं हुआ है, बंस का डो 1.5 घंटे बाद राइज़ होगा। फिर आप फॉर्म ऐसे शक्ल दीजिएगा, फिर आप ये लगाइएगा अंडा, फिर क्रॉस बना के रखिएगा, फिर उसके ऊपर आप दानेदार चीनी थोड़ी थोड़ी डालिएगा, ठीक है? इस तरह बहुत थोड़ी क्रंच आएगा मुंह में अच्छा सा। चाहें तो कुछ पे आप थोड़ा सा ये गोल्डन सिरप या शहद लग सकते हैं। मैंने अंडा कर दिया है, अंडे से भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। जिन चीज़ों में खमीर की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को आपको राइज़ करने के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी और मैदे को लेके ऊपर पाइप कर देते हैं क्रॉस। मैं ये इस तरह पानी और मैदे के साथ ये बना लेती हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, अब भी ऊपर से क्रॉस खा लेते हैं, बन मम्मी खाए, ये क्या बात हुई है, क्योंकि वो अंदर फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाते। सो सारे घर जाओ तो सारे बंस होते हैं, ऊपर के क्रॉसेस खा गए होते हैं। इस तरह भी होता है जी। ओके जी, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आके फौरन हम डेविल्ड एग्स कैसे बनाएंगे वो सिखाएंगे। मैंने आसान सी एक रेसिपी इसलिए रखी थी बिकॉज ऑब्वियसली आई वांटेड कि आप लोगों को मैं ये बंस कैसे बनाते हैं वो पहले दिखा दूं आज, ठीक है? चलिए जी, जल्दी से ब्रेक से वापस आइए, फिर देखते हैं रेस्ट ऑफ द शो। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें, अंडे बॉईल कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा और अंदर से जर्दी निकाल के इस तरह के, ठीक है, इसमें हमें भरना है। जर्दियाँ यहाँ मैंने मैश कर दी। अब हम इसमें डालेंगे मेयोनीज।
दो से तीन चम्मच भर के मेयोनीज डालिएगा, स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये है जनाब क्रीम। फिर इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर, जो भी आपके पास हो। फिर नमक और काली मिर्चें, बंस की खुशबू आ रही है, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, और हर चीज़ को अच्छी तरह मिक्स करिए, मिक्स करिए, मिक्स करिए। अंडे हैं बॉयल, मेयोनीज, मस्टर्ड, नमक, काली मिर्चें, क्रीम, अच्छा चिली सॉस ऊपर से ड्रिजल करेंगे, और जैतून जो है वो हम बाद में ऊपर से रखेंगे एक एक स्लाइस करके। ठीक है जनाब, समझ आ गई, ये हो गया तैयार। कितना मुश्किल था? बिल्कुल आसान ना। नाउ यू जस्ट फिल योर पाइपिंग बैग अप। और इसमें पाइप कर दीजिए, ठंडे करिए और सर्व कर दीजिए। कोई मुश्किल रेसिपी है ही नहीं, इसको कहते हैं डेविल्ड एग्स। इसमें आप गाजर चॉप करके डालें, शिमला मिर्च डालें, एनीथिंग यू वॉन्ट टू, प्लीज डोंट कम आउट। ठीक है जनाब, ये हो गया। सिनेमन, हम जब बेकिंग में सिनेमन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में आ जाती है। सो आई कैन स्मेल माई सिनेमन इन माई बंस, अभी पूरा स्टूडियो मेरा। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसको स्लाइस में काटें, आप प्लेटर पे रखिए। कोई ग्रीन्स हो, कोई सैलड के पत्ते हो, वो किसी चीज़ के साथ आपको डेकोरेट करना हो, आप वो कर लीजिए। जेंटली उठाइएगा, बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करिएगा अंडों को। इसको भी रख देते हैं, इस साइड से थोड़ा सा निकल आया था। नाउ यू नीड टू पुट योर जैतून, काले लें, हरे लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज, और आप इसको ऐसे करके बीच में रखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डेविल्ड एग्स। बहुत आसान रेसिपी है, कोई इसमें कोई कुकिंग वुकिंग है ही नहीं। अंडे बॉयल पड़े हों, कोई बच्चे खा ना रहे हों, उप्स 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 उप्स, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। नाउ यू कैन ड्रिजल योर चिली सॉस ऑन टॉप। और ये रेडी हो गया, ये हमारी एक रेसिपी आज की मुकम्मल। ठीक है, अच्छा नाउ बंस, ये अच्छे से राइज हमारे हुए हैं। सेकंड वाली ट्रे हमारी नहीं हुई है अभी, इसको टाइम चाहिए, वी नीड द टाइम। ठीक है, चलिए हम ब्रेक ले लें, क्लीन अप करें। ओके, मैं रिकैप कर दूं। मैंने आधा किलो मैदा लिया, छान के एक बोल में डाल दिया, उसमें मैंने 75 ग्राम्स 75 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली, एक चमचा भर के मैंने मिक्स्ड स्पाइस पाउडर डाला। उर्दू में गरम मसाला पाउडर कह रही हैं, ये वॉइस ओवर में गरम मसाला पाउडर नहीं है, इसमें मिक्स्ड केक स्पाइस है। ये मिक्स्ड स्पाइस गरम मसाला नहीं होता है, वो मिक्स्ड ऑल स्पाइस होता है। ठीक है, सो मैं क्लियर कर दूं, केक स्पाइस में हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाला था, यानी कि गरम मसाला पाउडर, सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, मेस यानी के जावित्री, जायफल यानी नटमैग, और सिनेमन यानी दालचीनी, क्लोव्स यानी लौंग। थोड़ा थोड़ा क्वार्टर क्वार्टर टीस्पून लेंगे तो दो चमचे जितना हो जाएगा। ठीक है, एक चमचा सॉरी। फिर एक टीस्पून अलग से पिसी हुई दालचीनी डाली, एक नींबू का छिलका डाला, एक टीस्पून हमने नमक डाला, एक टेबलस्पून खमीर लिया था, 40 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लेकिन पिघला के। ठीक है, फिर उसमें हमने गरम
दूध 300 मिलीलीटर डाला, एक अदद अंडा गया, 200 ग्राम सुल्ताना या किशमिश डालें, काली किशमिश डालें, मैंने तीनों मिक्स करके डाल दी थी। उसके अलावा आप 50 ग्राम जितनी चॉप करके पील डालिए, आटा गूंद के रख दीजिए, डेढ़ घंटा राइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। बॉल्स बना के दोबारा ट्रे पे रख के फिर उसको राइस करिए, फिर उसको निकालिए जहाँ से भी रखे हुए हैं आपने, अंडा लगाइए, क्रॉस बनाइए, अगर आपको क्रॉस नहीं बनाना है ऐसे ही फ्रूट बंस बना दीजिए। क्रॉस के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक कप जितना मैदा लिया था, 4 से 5 चमचे पानी डाला था, गूंद के पतला सा आप बेल दीजिए और काट के क्रॉस की शक्ल में ऊपर लगा दीजिए, ऊपर दोबारा अंडा ब्रश करिएगा और फिर आप उसको बेक करने रख दीजिएगा। दानेदार चीनी भी मैंने थोड़ी सी ऊपर से डाली थी, ठीक है। ये हो जाएंगे 20 मिनट में बंस बेक हो जाएंगे, छोटे साइज़ के हैं तो। और डेविल्ड एग्स बहुत आसान है, अंडे आपने बॉईल किए, बीच में से काटे, जर्दियाँ अलग करके इसमें डाल दी बोल में, फिर आपने मेयोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्चें, क्रीम वगैरह डाल के फिर उसको पाइप कर दिया। पाइप करने के बाद आप ऊपर चिली सॉस डालें, क्या आप ऊपर जैतून डालें, कोई सैलड के साथ सर्व करिए, किस एज अ साइड डिश, एपेटाइज़र बच्चों के लिए, वॉट एवर, नाश्ते के लिए, एनीथिंग यू कैन मेक, ठीक है जी। हम ब्रेक लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, बंस को चेक करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। डेवल्ड एग्स, अज्जा, सख्त उबले अंडे 3 अदद, मेयोनीज 3 खाने के चमचे, मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पिसी काले मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, काले और हरे जैतून स्लाइस चंद अदद, चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब, पहले एक बोल में एहतियात से छोटे चमचे से अंडे की जर्दी निकालें और उसे मैश कर लें। अब इसमें पिसी काली मिर्च, नमक, मेयोनीज, क्रीम और मस्टर्ड डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को एहतियात से पाइपिंग बैग में डाल दें। अब इस मिक्सचर को अंडे की सफेदी में मिला दें, फिर अंडों को फ्रिज में रख दें और सर्विंग से पहले चिली सॉस टॉप पर डालें, आखिर में काले और हरे जैतून स्लाइस से डेकोरेट करके सर्व करें। हॉट क्रॉस बंस, अज्जा, मैदा 500 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 75 ग्राम, मिक्स पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट 1 लीमू का, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, मक्खन 40 ग्राम, दूध 300 मिलीलीटर, अंडा 1 अदद, बड़ी किशमिश 200 ग्राम, चॉप्ड मिक्स्ड कैंडिड पील 50 ग्राम, तेल ग्रीस के लिए टॉपिंग के लिए, मैदा 75 ग्राम, गोल्डन सिरप ग्लेज के लिए। तरकीब, मैदा, चीनी, मिक्स पिसा गर्म मसाला, लेमन जेस्ट, नमक, पिसी दालचीनी और खमीर को एक बोल में मिक्स करके बोल के दूसरी जानिब रखें। अब मक्खन को पैन में मेल्ट कर लें और दूध को अलग बोल में गर्म कर लें। उसके बाद मक्खन और आधा गर्म दूध खुश्क अज्जा में शामिल करें और अंडा डालकर हाथ से मिक्सचर को मिक्स कर लें। अब इसमें बाकी बचा हुआ दूध डालकर डो को नरम कर लें। उसके बाद मैदे को काम की सतह पर रखकर मैदे में बड़ी किशमिश और चॉप्ड मिक्स्ड कैंडिड पील हाथ से शामिल करके 10 मिनट हल्का सा गूंद लें। फिर एक बोल को तेल से ग्रीस करके मैदा डालकर ढकें और गर्म जगह में तकरीबन 1.5 घंटा या उसका साइज दुगना होने तक रखें। अब डो को काम की सतह पर रखकर 12 बॉल्स बना लें। उसके बाद अलाइन की हुई ट्रे में बॉल्स को थोड़ा चपटा करके रखें और 40 से 60 मिनट तक छोड़ दें, जब तक कि उनका साइज दुगना हो जाए। फिर इन्हें गर्म ओवन में बेक करें। टॉपिंग के लिए एक बोल में मैदा, 100 मिलीलीटर पानी डालकर अच्छी तरह पेस्ट बनाएं। फिर आइसिंग बैग में डालकर हर बन पर क्रॉस पाइप करें। ज़रूरत हो तो बेकिंग ट्रे को थोड़ी देर बाद घुमाकर हल्का हल्का गोल्डन होने तक 15 से 20 मिनट बेक करें। फिर एक पैन में गोल्डन सिरप को मेल्ट कर लें और जब बंस गर्म हो तो वायर रैक पर रखकर गोल्डन सिरप से ब्रश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक, द बंस आर रेडी, हॉट क्रॉस बंस, ठीक है। ज़रा प्रूफिंग का टाइम दीजिएगा, 1.5 घंटा पहले और फिर बंस का शेप दे के दोबारा 1.5 घंटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जाली पे ठंडे करिएगा, और ठंडे नहीं करिएगा, गरम गरम मक्खन लगा के खा लीजिएगा, ठीक है। सो इस तरह जितनी फ्रूट आपको डालनी है, कम डालनी है, ज़्यादा डालनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हियर्स योर हॉट क्रॉस बंस फॉर दिस वीकेंड। और मैं काट के दिखा दूँ फिर एक, ठीक है। बहुत गर्म है अभी, कच्चे नहीं हैं अंदर से, बट अभी आपको इसको टाइम देना ज़रूरी है। एक और हमारे ट्रे हो रही है, सो वील लेट दैट बेक। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं क्या बना रही हूँ अगले हफ्ते। अगले हफ्ते मैं बना रही हूँ लैम शैंक बिरयानी, यानी अदला से, ठीक है। चापट बनाएंगे, चापट पारसी पैनकेक्स को कहते हैं।
और मैं फिर मंगल को फजी कॉफ़ी ब्राउनीज बनाऊंगी, टेरिया की मीटबॉल्स बनाऊंगी, बुध को मैं स्पिनच यानी पालक से पैनकेक बनाना सिखाऊंगी, उसके साथ टमेटो की चटनी बनाएंगे, जुमेरात को ऑरेंज के कुकीज़ हैं और ग्रेवी चिकन है, और जुमे को हम मीट पाए बनाएंगे, चीज़ टोस्ट बनाएंगे, लज्जत में 5 बजे आप देखेंगे, चिकन फाइटा नूडल कैसरोल, रोस्टेड फिश टिक्का और टमाटर राइस। तो ये शो भी ज़रूर देखिएगा, सारे हमारे शोज ज़रूर देखिएगा, रिकॉर्डेड हों के लाइव हों, और हफ्ता इतवार है कल परसों, तो मेरा शो ज़रूर देखिएगा डॉलन्स का, जिसमें मैंने डॉलन्स के अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई हैं, और अप्लायंसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको सिखाया है, तो आप सीख सकते हैं, बिकॉज़ आप लोग बार बार मुझे लाइव शो पे पूछते हैं कि माइक्रोवेव कैसे करें और अवन कैसे करें, कन्वेक्शन और एयर फ्रायर फलाना ये वो, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। उस शो को मिस नहीं करिएगा 12:30 बजे दोपहर में और 7 बजे शाम को, और हम न्यूज़ पर भी आप इसको देख सकते हैं दोपहर में 1:30 बजे, ठीक है जी। चलिए, सो आई थिंक दैट्स डन, वी आर डन फॉर टुडे। आप दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।